ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द आइडिया और वोडाफोन मर्ज होने वाले हैं, लेकिन इनके मर्ज होने की बड़ी वजह क्या है? आपको बता दें कि आपके मन में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर आइडिया और वोडाफोन मर्ज क्यों होने वाले हैं। आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर में जियो के आने के बाद से ही सारी टेलीकॉम कंपनी काफी ज्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि जियो जब से आया है तब से ही अपने सस्ते प्लान्स और खास खास ऑफर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाता रहता है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जियो फोन लॉन्च किया, उसके बाद जियो फोन 2 लॉन्च किया, और अभी फिलहाल ही में ही 15 अगस्त को जियो गीगा फाइबर भी लॉन्च किया। सस्ते सस्ते ऑफर्स, मॉनसून ऑफर ले लो या फिर कोई भी नया ऑफर ले लो, जियो सबसे पहले पेश करता है अपने ग्राहकों के लिए और काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्लान्स लाता है। वहीं नेटवर्क भी जियो के काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। बाकी के नेटवर्क्स की अगर बात करें तो जियो के नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा सही आते हैं। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि आइडिया और वोडाफोन जो हैं वो जियो से डर गई हैं? क्या आइडिया वोडाफोन के मर्ज होने की सबसे बड़ी वजह जियो है? क्या जियो का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर में कि हर कंपनी यानी कि हर टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स को लेकर, अपने ऑफर्स को लेकर और अपने नेटवर्क को लेकर, अपने मर्जर को लेकर अब सोचने लगी है, और इसीलिए आइडिया वोडाफोन भी अब जल्द ही मर्ज होने वाले हैं? क्या ये है सबसे बड़ी वजह इन दोनों के मर्ज होने की? क्या जियो है सबसे बड़ी वजह? या जियो के आने के बाद से सारी टेलीकॉम कंपनीज को ये लगता है कि उन्हें टक्कर देना है जियो को, नए नए प्लान, सस्ते ऑफर्स पेश करने अपने ग्राहकों के लिए? सबसे बड़ी वजह तो हमें यही लग रही है कि मर्जर होने की, कस्टमर्स को लाने के लिए अपने पास अपने सस्ते प्लान्स और नेटवर्क को सुधारने के लिए भी शायद आइडिया वोडाफोन मर्ज हो रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या मर्जर के बाद कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे आइडिया वोडाफोन के बाद? क्या एक बार फिर से आइडिया वोडाफोन और एयरटेल की अगर हम बात करें तो वो भी क्या फिर से अपना दबदबा बना पाएंगे टेलीकॉम सेक्टर में, या फिर जियो अपनी पकड़ वैसे ही बनाए रखेगा? ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।